हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम विवेक, आप देख रहे हैं टेक्निकल फ्रेंड। और दोस्तों, आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, पता है क्यों? मुझे बहुत सारे यार मेल आने लग गए हैं मेरे इंस्टाग्राम में। बहुत कोई मुझे बोलने लगा, सर मेरा चैनल को प्रमोट कर दीजिए, सर मेरा चैनल को प्रमोट कर दीजिए। तो यार, मैं पहले मुझे ये भी बोला गया कि सर आप मेरे से कुछ पैसे ले लीजिए, उसके बाद मेरे चैनल को प्रमोट कर दीजिए। मैं आप लोग को अभी ही ये चीज़ क्लियर कर दे रहा हूँ, अगर आपको कोई फेक अकाउंट से भी ये चीज़ बताता है या फिर आपको कुछ भी बोलता है कि सर मैं फलाना हूँ, मैं ठिकाना हूँ, मेरा एक ही इंस्टाग्राम आईडी है जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और उसके अलावा मेरा कोई इंस्टाग्राम आईडी नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको कोई भी ऐसा अगर फ्रॉडिंग मैसेज करता है तो प्लीज उसका रिप्लाई मत कीजिएगा। मैं अगर किसी का भी चैनल प्रमोट करूंगा तो दोस्तों मैं कभी किसी से भी पैसा नहीं लूंगा, ये चीज आप कान खोल के सुन लीजिए, मैं कभी भी आप लोग से पैसा नहीं लूंगा। बट दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मोटिव मेरा ये है कि आप मेरे से बात करने से पहले मैं चाहता हूं कि एक ट्राई आप खुद से मान लें, क्योंकि आप अभी बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पे, लेकिन आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं ना, शायद जो टॉपिक मैं उठाऊंगा वो टॉपिक आपको मिल जाएगा, लेकिन जिस बारे में आज मैं डिस्कस करूंगा वो शायद आपको पूरे YouTube में ये चीज आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा। मेरे हिसाब से अगर आप लोगों को किसी ने बताया होगा तो फिर मुझे नहीं पता, उसके लिए सॉरी। अगर ऐसा कोई वीडियो भी आपको अगर मिल जाता है तो उसके लिए भी सॉरी, क्योंकि अभी तक तो मैंने ये चीज नहीं देखा हूं। तो चलिए, इस वीडियो में यही चीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि आप अपने चैनल को जिसमें आपका व्यू नहीं आता, आपको व्यू लाने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, आपके सब्सक्राइबर नहीं आते हैं, तो कैसे लाया जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको अपने एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करूंगा। उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दे ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आ सके। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे गिवअवेज में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो मैं आई बटन पे लिंक दे दे रहा हूँ, वहां से जाकर के आप मेरे गिवअवेज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं बात कर लेता हूँ यार आपके प्रॉब्लम्स की, बहुत सारे जन के ऐसे चैनल हैं जो कि बहुत ही अच्छा चैनल है, मीन्स आप लोग रेगुलर कंटेंट भी डाल रहे हैं, रेगुलर वीडियोस भी डाल रहे हैं और अपने कंटेंट डाल रहे हैं, बट वीडियो नहीं आ रहा है। तो ऐसे में आप लोगों को क्या करना चाहिए? आप लोग क्या करते हैं, अपने वीडियो का प्रमोशन करते हैं इधर उधर से, या फिर कहीं पेड प्रमोशन भी आप लोग करते हैं, या फिर मैं आप लोग अभी एक चीज बता रहा हूँ, मैं यही चीज आप लोग से डिस्कस करने वाला हूँ कि ये चीज आपको गूगल में मिल जाएगा, बट अभी जो मैं आपको उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा वो आपको शायद ही नहीं मिलेगा। और मैंने ये चीज बहुत जन को बताया भी है, उन्होंने मुझे बताया भी कि सर आपने जो टिप्स दिया वो मेरा काम किया। और दोस्तों, अगर आपने गूगल एडवर्ड का नाम सुना होगा या फिर गूगल एड्स का नाम सुना होगा तो आप लोगों को पता ही होगा कि उसमें आप अपने वीडियो को प्रमोट कर सकते हैं। आपको ऐसे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जिसमें आपको बताया गया कि आप गूगल एड्स से अपने वीडियो को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, बट आपको ये चीज नहीं बताया जाता। आपको हमेशा उसमें क्या बताया जाता है, 20 रुपए में 1,000 आपको व्यू मिल जा रहे हैं, 5 रुपए में आपको 100 व्यू मिल जाएंगे, तो ये सरासर गलत है। मैं उन लोगों को ऐसा कोई टारगेट करके नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं फिर भी बता रहा हूँ कि यार ये क्लिक बेट है, ये थंबनेल को सिर्फ अपने आप को मतलब हाईलाइट करता है कि आप उनके वीडियो में जाएं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ, गूगल एडवर्ड से आप अपने वीडियो को प्रमोट कर सकते हैं। मैंने भी किया था, इनफैक्ट मैंने बहुत जन को सजेशन भी दिया था, वो लोग भी चैनल जो है अभी अच्छे खासे ग्रो कर गए हैं। तो बस मैं आपको एक चीज सजेशन देना चाहूंगा कि कैसे आपको उसमें प्रमोट करना है। दोस्तों, आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें बताया गया है कि आप कैसे उससे प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ मेन मुद्दा का मैं बात करूंगा। दोस्तों, उसमें जब आप अपने वीडियो को प्रमोट करते हैं, देखिएगा, आप उसमें जब पहला लॉगिन करते हैं तो गूगल एडवर्ड में आप मिनिमम 500 ऐड कर सकते हैं और उनका एक कूपन कोड मिलता है, तो अगर आप 500 करते करते 2000 तक अगर आप उसमें स्पेंड करते हैं तो आपको 2000 रुपीज रिफंड भी आ जाता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बात बता रहा हूँ, जैसे ही आप उसमें प्रमोशन करते हैं आपका वॉच टाइम उससे नहीं कंप्लीट होता मेरे दोस्तों, मैं आपको ये चीज खुल के बता रहा हूँ, आपका जो वॉच टाइम है वो उससे कंप्लीट नहीं होता है। लेकिन अब बोलिए कि सर आपका वॉच टाइम उससे नहीं कंप्लीट हो रहा तो इसमें क्या मेरा फायदा है? फायदा आपका ये है दोस्तों कि आप अगर उससे प्रमोट कीजिएगा तो आपका जो वीडियो रहेगा वो एडवर्टीजमेंट में जाएगा, एडवर्टीजमेंट में जाएगा, तो लोग उसको, अगर आपके वीडियोस में वैसा कंटेंट रहेंगे तो लोग उस वीडियो को देखेंगे, लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब भी करेंगे आपके चैनल को, बट उस एडवर्टीजमेंट को चलना भी तो चाहिए मेरे दोस्त, यूट्यूब में चलना चाहिए। आप लोग को क्या करते हैं ना, आप किसी का वीडियो देखें, आपको पता चल गया कि गूगल एड्स में ऐसे किया जाता है, आप क्या किए, बस देख करके डिट्टो कॉपी कर दिए, लेकिन ये गलत है, मैं आपको भी बता रहा हूँ ये गलत है, ये प्लीज मत कीजिए। अगर पहले होता था तो होता था, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा, बट अभी का टाइम क्या है, मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू को आपको देखना पड़ता है अभी के टाइम पे।
आपको बस करना ये है, इस वीडियो का पूरा तात्पर्य मेरा यही है कि आपको बस करना ये है कि जब आप उसमें अपना ऐड डालते हैं गूगल एड्स में, जब अपने वीडियो का प्रमोशन के लिए डालते हैं आप, तो बस आपको करना ही है, मैं बता रहा हूँ, जहां पे आपको सेलेक्ट बिड सेलेक्ट करने के लिए आता है ना, एक आता है कि जहां पे आप कितना पैसा एक एडवर्टीजमेंट आप देना चाहते हैं, ये चीज उसमें सेलेक्ट करने के लिए आता है, सेलेक्ट योर बिड। नहीं होता तो मैं यहाँ स्क्रीनशॉट आपको दिखा दे रहा हूँ, वहां से आप देख सकते हैं। एक्चुअली उसमें होता है कि आप लोग वीडियो देखते हैं और कोई कोई आपको बोलता है कि $0.05 से ज्यादा मत दीजिए, 0.05 पैसा से ज्यादा मत दीजिए, 0.75 से ज्यादा मत दीजिए, फलाना मत दीजिए, ठिकाना मत दीजिए। तो मेरे भाई ये मत कीजिए, ये कीजिएगा। ऐसा नहीं मैं बोलूंगा कि आपके व्यू नहीं आएंगे, आपके एडवर्टीजमेंट नहीं चलेगा, चलेगा, बट आपका कोई फायदा अगर हो गया तो बहुत अच्छा, लेकिन उतना फायदा नहीं होगा। अगर आपको चाहते हैं कि आपका फायदा हो, तो पहले आप मार्केट वैल्यू को देखिए, आप गूगल कीजिए कि अभी का बिट वैल्यू क्या है, आपका जिस टॉपिक में आपको डालना है उसका बिट वैल्यू क्या है, और उसी हिसाब से मेरे भाई अगर आपका बिट एक रुपया भी अगर जाता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये फ्रॉडिंग वाला चक्कर में मत फंसिए कि 20 रुपए में 500 व्यू मिल गए, 500 रुपए में आपको 10,000 व्यू मिल गए, ऐसा नहीं होता है मेरे भाई, प्लीज ये सब चीज में मत फंसिए। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, जब भी आप गूगल एडवर्ड्स से आप अपने चैनल को प्रमोट कीजिएगा, तो जो आपका बीट सिलेक्शन आता है ना मेरे दोस्त, बीट सिलेक्शन को कोशिश कीजिए कि आप जो अभी मार्केट वैल्यू है, उस मार्केट वैल्यू को आप पकड़ करके चले, उस हिसाब से ही अपने बीट वैल्यू को उसमें आप सेलेक्ट कीजिए। दोस्तों बस मैं इस वीडियो में आपको यही समझाने वाला था कि अगर आप इससे प्रमोशन भी कराते हैं या फिर आप गूगल एडवर्ड से भी अगर आप प्रमोट करते हैं, तो आपको एग्जैक्ट कैसे प्रमोट करना, मैं आपको ये बता रहा हूँ। देखिए आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जिसमें आपको बताया गया है कि, इसीलिए मैंने आपको स्टेप्स नहीं बताया क्योंकि आपको पता है आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोज मिल जाएंगे, तो आप वहां से देख करके आप कर सकते हैं, बट मैं सिर्फ आपको एक बेसिक पॉइंट बता रहा हूँ कि आप जहां पे बिट सेलेक्ट करने का आएगा, प्लीज वहां मार्केट वैल्यू को सेलेक्ट कीजिए, आपका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। इवन आपके जो एडवर्टीजमेंट उसमें चलेंगे, आपका जो मींस आपका जो वीडियो वहां पे आपको ज्यादा रिच करेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने ये चीज खुद एक्सपीरियंस किया हूँ, मैंने जिसको सजेस्ट भी किया था उनका भी यही चीज हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप मेरे से कॉन्टेक्ट करने से पहले एक बार यार कोशिश कीजिए कि आप एक बार खुद से तो करके देखिए क्या जाता है यार, एक बार बस खुद से ट्राई कीजिए। और बाकी तो मैं यहाँ हूँ ही, मैं एक दो दिन में आपको मैं बताने वाला हूँ कि मैं आप लोग के चैनल को कैसे प्रमोट करूंगा, हर संडे में एक चैनल आप लोग का प्रमोशन करूंगा, बट उसके टर्म्स एंड कंडीशन क्या रहेंगे, उसके रूल्स क्या रहेंगे, मैं सारा चीज़ उस वीडियो में बता दूंगा, तो अभी नहीं कल या परसों आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो दोस्तों बस मैं वीडियो का यही एंड करता हूँ, होप सो आपको सारा चीज डिटेल में समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको प्रमोशन करना अपने चैनल का खुद से। वीडियो को मैं यही एंड करता हूँ, मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।